हेलो बच्चो लेट्स क्वेश्चन द क्वेश्चन सीज डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गेमीट और एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज ए एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बी पॉली एम्ब्रियोनी सी पार्थिनो डी पार्थिनोजेनिस सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन अगर होता है नेचर में और अभी हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे सारी प्रोसेसेस जो इस क्वेश्चन में गिवन है स्टार्ट करते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी से एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में होता क्या है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन अब ये होता कैसे है कि फीमेल केमिटो में और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो टू एंड प्लॉइडी रखते हैं तो एम्ब्रियो डेवलप करता है इन्हीं सेल्स से एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सेल्स लाइक न्यूसिलस एक सेल होता है जो टू एंड प्लॉइडी रखता है हम यहाँ पे इसकी प्लॉइडी लिख देते हैं एंड जो इन होते हैं दैट मीनस टू कवर्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के वो भी टू एंड रखते हैं एंड यहां से एम्ब्रियो ग्रो कर सकता है और उस प्रोसेस को बोलेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी सेकेंड ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है जैसे ह्यूमंस में ट्विंस का डेवलपमेंट हो जाता है ऐसे ही ये सेम प्रोसेस प्लांट्स में होने को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी तो क्या होता है इसमें कि जो एक एग है वन एग डेवलप्स इनटू डेवलप्स इनटू टू और मोर एम्ब्रियो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना एक ही एग से उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं और उसमें जो जितने भी एम्ब्रियो फॉर्म होंगे लाइक टू थ्री फोर वो एम्ब्रियो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी इसमें क्या होता है पार्थिनो कार्पी में प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल दैट मींस जो ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते अगर ओव्यूल्स फर्टिलाइज नहीं होंगे दैट मींस सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे राइट right? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो सीड्स फॉर्म्ड दैट मीन्स पार्थेनोकार्पी में फ्रूट तो बनते हैं लेकिन सीड नहीं होते सीड नहीं बनते और ये पार्थनोकार्पी कौन कौन से फ्रूट्स में हमने देखी है बनाना में ये होती है एंड फिग्स में ये होती है राइट right? पार्थनोकार्पी सिर्फ प्लांट्स में हो सकती है अकर्स ओनली इन प्लांट्स नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बात करता है पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की दैट मींस एम्ब्रियो फॉर्म होता है लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है फीमेल गेमीट से एम्ब्रियो फॉर्म्स फ्रॉम फीमेल गमीट्स फीमेल गेमीट्स जो एनप्लॉइडी के होते हैं उन्हीं से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं दैट मींस जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो हैप्लॉयड होंगे एंड पार्थेनोजेनेसिस होती किन में है लोअर इन में होती है एंड लोअर प्लांट्स में ही हो सकती है एंड पार्थिनोजेनेसिस बीज में भी होती है एंड लिखेंगे लोअर इन तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल के मीट विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज पार्थनो जेनेसिस यहां पर अगर फीमेल पार्ट गिवेन होता स्पेसिफिकली न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट तो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता था एडवेंटेशियस एम्प्रियोनी लेकिन सिंस यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि फीमेल गैमीट या एग से प्रोड्यूस होता है तो पार्थिनो जेनेसिस इज गोइंग टू बी द आंसर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक